कहने को तो आज मनुष्य पृथ्वी से चंद्रमा और मंगल ग्रह तक पहुंच गया है। पिछले कुछ वर्षों में हमने तकनीक और विज्ञान की मदद से कई अद्भुत कारनामे किए हैं, लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो आज भी मानव समझ से परे एक अनसुलझे पहले बने हुए हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दुनिया के कुछ ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिस पर विज्ञान की दीप्तिमान प्रगति के बावजूद मनुष्य अभी तक पर्दा नहीं उठा पाया है। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान के चलते फिरते पत्थर। क्या आप पत्थरों को अपने आप चलने की घटना पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, कैलिफोर्निया और नेवादा की सीमा पर स्थित डेथ वैली नेशनल पार्क की सूखी झील की सतह पर पत्थर अपने आप एक कोने से दूसरे कोने में चले जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हवा के दबाव के कारण ये पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, तो वहीं कई लोग यह भी मानते हैं कि इंसान से ज़्यादा वजन वाले इन पत्थरों के खिसकने के पीछे ज़रूर कोई और राज है। नासा भी इन फिसलने वाले पत्थरों के रहस्यों को अभी तक सुलझा नहीं पाया है। हालांकि पत्थरों के अपने आप हिलने की इस घटना का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं है, लेकिन इसे खिसकने से बने निशान झील की सूखी सतह पर साफ देखे जा सकते हैं। नंबर दो, मीट की बारिश। क्या आपने कभी मीट की बारिश देखी है? क्या किसी ने इसके बारे में सुना है? जी हाँ, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन यह एक ऐतिहासिक घटना है जो निसंदेह घटी है और इसे मीट शावर के नाम से जाना जाता है। कैंट की मीट शावर 3 मार्च 1876 को बैथ कंट्री रैंकिन में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कई मिनटों की घटना थी, जिसमें आसमान से मांस की बारिश हुई थी। फिर क्या था, बाथ काउंटी के लोगों ने मांस बटोरना शुरू कर दिया और ढेर सारा मांस इकट्ठा कर लिया। वहाँ के लोग बताते हैं कि मांस के इन टुकड़ों की लंबाई 3 से 5 इंच के बीच थी और ये मांस खाने में बहुत ही साफ और बहुत स्वादिष्ट था। इस घटना की जांच की गई तो जांचकर्ताओं ने बताया कि मांस के टुकड़े नवजात घोड़े के मांस के हैं। हालांकि मांस के स्टीक प्रकार की पहचान कभी नहीं हो पाई। विभिन्न रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि यह मांस गोमांस, मेमना, हिरण, भालू, घोड़ा, यहाँ तक कि मानव का भी हो सकता है। लेकिन यह बारिश कहाँ से हुई, यह मांस असल में किसका था, यह आज भी इंसानों के लिए एक अनसुलझा रहस्य है। नंबर तीन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैरोल्ड होल्ट का अचानक गायब हो जाना। क्या कोई आदमी अचानक इस दुनिया से गायब हो सकता है, और वो भी तब जब वो किसी देश का सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण नागरिक हो? जी हाँ, कुछ ऐसा किस्सा ही ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैरोल्ड होल्ट के साथ हुआ। यह दिसंबर 1967 के महीने की बात है जब हैरोल्ड होल्ट चिवायत बीच पर तैरने के लिए गए थे और अचानक गायब हो गए। अब जैसा कि वो उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे, तो उनकी खोज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने सदी का सबसे बड़ा खोज अभियान चलाया, जिसमें पुलिस, वायुसेना, नौसेना संयुक्त रूप से अगले 2 दिन तक प्रधानमंत्री हैरोल्ड होल्ट को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वहाँ निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। नंबर चार, 6 इंच का मानव कंकाल। क्या आप सिर्फ 6 इंच छोटे इंसान की कल्पना कर सकते हैं? जी हाँ, साल 2003 में चिली के अटाकामा रेगिस्तान में 6 इंच का अजीबोगरीब मानव कंकाल मिला था, जहाँ कुछ लोग इसके मजबूत दांतों और शरीर पर बने धारियों को देखकर इसे मानव कंकाल बता रहे हैं। वही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जांचकर्ताओं का दावा है कि यह कंकाल हजारों साल पहले मानव डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके बनाया गया एक अन्य जीव है। यह रहस्य आज भी लोगों के लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर यह कंकाल किसका है। खैर, विज्ञान को चुनौती देने वाला कंकाल आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। नंबर पाँच, डांसिंग प्लेग। क्या कोई व्यक्ति इस हद तक ना सकता है कि जिससे उसकी मृत्यु हो जाए? जी हाँ, भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन इतिहास में ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी है। 1518 शताब्दी में रोमन शहर में डांसिंग प्लेग के रूप में जानी जाने वाली एक अजीब नृत्य बीमारी फैल गई थी। एक दिन अचानक ही शहर में 400 लोग नाचने लगे और वे एक दिन नहीं बल्कि कई महीने तक नाचते रहे। इनमें से कई लोगों की मौत थकान, दिल का दौरा और नसें फट जाने से हुई थी। इस बीमारी के कारण को आज तक कोई नहीं समझ सका और यह आज के युग में भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।